हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं ये डेली वेयर सिंपल इजी लुक। एंड इस लुक को क्रिएट करने के लिए हम कोई ब्रश नहीं यूज़ करने वाले हैं, ना ही कोई कॉन्टूर कंसीलर या फाउंडेशन का यूज़ करने वाले। सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो इस वीडियो में बने रहिए। मेकअप से पहले अपने स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैंने लिया है गुड वाइब्स का रोज़ टोनर। आप चाहें तो कोई सा भी रोज़ वाटर या टोनर यूज़ कर सकते हैं। टोनर हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग आर पोर, जिससे कि हमारी स्किन और भी स्मूद और पॉलिश लगती है। इट ऑल्सो टाइटेंस आर स्किन। हमें इसे एयर ड्राई होने देना है ताकि हमारी स्किन अच्छे से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके। 4 से 5 मिनट तक वेट करेंगे और हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे। सो फॉर मॉइस्चराइजर आई एम यूजिंग दिस डे नरिशिंग सैफरन क्रीम फ्रॉम गुड वाइब्स। इस क्रीम की अच्छी बात यह है कि इसमें सैफरन है, विच हैज़ ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज, एंड इसके लगाते ही चेहरे में एक अच्छा सा रेडिएंट ग्लो आ जाता है। ज़रूरी नहीं है आप यही क्रीम यूज़ करें, आपको जो भी मॉइस्चराइजर पसंद हो अपनी पसंद का उसे अप्लाई करें। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आप चाहें तो अपने चेहरे को अच्छे से 2-3 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं। फेशियल मसाज हैज़ एंटी एजिंग एंड एंटी रिंकल प्रॉपर्टीज़। इट हेल्प्स इन इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द स्किन, विच हेल्प्स इन ट्रीटिंग एक्नेस एंड ऑल्सो ब्रिंग स्मूदनेस एंड सूदनेस टू आर स्किन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मेकअप। एवरीडे यूज़ के लिए बीबी या सीसी क्रीम बेस्ट होती है, बिकॉज इट हैज़ प्राइमर, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर और हमें फाउंडेशन या कंसीलर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे मैंने लिया है अपने हाथों पे और इसे थोड़ा थोड़ा लगाकर हम कवरेज बिल्ड करेंगे। इसे मैं लगाऊंगी अपने गालों पे, अपने फोरहेड पे, नोज़ पे। एंड गाइस, नेवर फॉरगेट योर नेक। अपने नेक पे भी मॉइस्चराइज करना, इवन कोई सा भी क्रीम या फाउंडेशन लगाना मत भूलें। अभी मैं इसे सिर्फ अपने हाफ फेस पे लगा रही हूँ, सो दैट वी कैन सी द डिफरेंस। सो गाइज, आप सब खुद ही देख लीजिए हाउ माई स्किन लुक्स। मैंने दूसरी साइड भी अपनी क्रीम लगा ली है और अब हम अपने बेस को करेंगे सेट विद द हेल्प ऑफ अ कॉम्पैक्ट पाउडर। द वन आई एम यूजिंग राइट नाउ इज फ्रॉम मेबेलिन एंड इट्स वेरी इजीली अवेलेबल ऑन एनी ड्रग स्टोर। सो नाउ दिस इज हाउ आर बेस लुक्स लाइक। अपनी ब्लशेस एंड लिप कलर के लिए मैंने लिया है नायका का लिप एंड चीक टेंट। आप अगर चाहें तो इसे बहुत ईजिली अमेजोन या नायका से ख़रीद सकते हैं, या आप अपनी कोई भी न्यूड लिपस्टिक या पिंक लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं इसे अपने लिप्स पे एज अ लिप कलर यूज़ कर रही हूँ। एंड सेम शेड आई यूज़ ऑन माई चीक्स एज अ ब्लश। मैंने इसे अपने दोनों साइड लगाया है और इसे अच्छे से अपने फिंगर से ब्लेंड करने वाली हूँ। गाइज, मुझे तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि हाथों से प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सीमलेसली ब्लेंड हो जाते हैं, एंड ये बहुत ईजी भी होता है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अगर हाँ, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं डेली वेयर में अपने आईब्रोज़ को फिल या कलर नहीं करती हूँ। वॉट आई डू इज़ आई जस्ट टेक माई स्पूली ऑफ द मस्कारा एंड उससे ही बस हल्का सा उसको शेप दे देती हूँ। Now again I'm taking my mascara and I'll coat on my lashes, both on the upper as well as on lower lashes. Since मैं कोई भी काजल या लाइनर नहीं यूज़ करने वाली हूँ, I'll do 2-3 coatings so my lashes looks properly curled and my eyes looks bigger. Same चीज़ हमें अपनी lower lashes के साथ भी करना है। गाइज, आप चाहें तो आप काजल और लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर डेली वेयर आई जस्ट प्रेफर मस्कारा। ये मेरा वर्जन है। आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट ऐड या माइनस कर सकते हैं। नाउ एट द एंड आई विल यूज़ अ हाइलाइटर। फ्रेंड्स, दिस स्टेप इज़ टोटली ऑप्शनल। आप चाहें तो यूज़ करें, चाहें तो रहने दें। एंड हाइलाइटर को हमें यूज़ करना है अपने आर्क ऑफ द आईज़ पे एंड लिटिल बिट ऑन आर चीक्स, लिटिल ऑन आर टिप एंड ब्रिज ऑफ द नोज, सम वॉट ऑन आर क्यूपिड बोज, अ लिटिल ऑन आर चिन एंड ऑन आर फोरहेड। So guys, this is my version of quick, easy and daily wearable makeup look. And if you guys have liked this video, then let me know in the comment section. And also give this video a big fat thumbs up. Subscribe to my channel and also share with your friends and family. See you all in my next video. Till then, bye bye guys. Take care and peace out.